देखते हैं 25, यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बाई में एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई में वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस का बी स्क्वायर ए बाई वाई इक्वल टू में ए प्लस बी। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू में यू और 1 बाई वाई इक्वल टू में भी। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाए। ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी यू और प्लस का बी स्क्वायर ए भी इक्वल टू में ए प्लस बी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ ए वन ले लेंगे ए स्क्वायर, बी वन हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, सी वन हो जाएगा यहाँ जीरो, ए टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी, बी टू हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर ए, और सी टू हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी। चलिए यू बाई में यहाँ पे हो जाएगा बी सी, यानी बी वन सी वन बी टू सी टू, भी बाई में सी ए यानी सी वन ए वन सी टू ए टू, माइनस वन बाई में ए वन बी वन ए टू बी टू, यही ना लेंगे जी। चलिए अब यहाँ इनके वैल्यूज को रखते हैं, यू बाई में माइनस बी स्क्वायर जीरो बी स्क्वायर ए यहाँ पर ए प्लस बी, भी बाई में इनके वैल्यूज को रखते हैं जीरो ए स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ ए स्क्वायर बी, माइनस वन बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी और यहाँ बी स्क्वायर ए, इन है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे, तो यू बाई में माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी माइनस जीरो, भी बाई में जीरो माइनस ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी इक्वल टू में माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, ऐसे ही ना लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यू बाई में माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी इक्वल टू में भी बाई में माइनस का ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी, और माइनस वन बाई में यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी आ जाएगा। अब अलग अलग कर देते हैं, u बाई में माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू में माइनस वन बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी, और फिर दूसरा भी बाई में ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी इक्वल टू में माइनस वन बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर, तो u इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ से भी इक्वल टू में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी और डिवाइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी। तो देखो अब क्या होगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, यहाँ देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक है, और ए प्लस बी से ए प्लस बी, तो यू का वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर और बी का वैल्यू 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब ऊपर जो हम लिखे थे 1 बाई एक्स इक्वल टू में यू और 1 बाई वाई इक्वल टू में बी, तो 1 बाई एक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे यहाँ यू का वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर और यहाँ बी का वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x इक्वल टू में ए स्क्वायर आ जाएगा और y इक्वल टू में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है।